सत्ता की भागीदारी से मुसलमान आउट, केंद्र समेत 15 राज्यों में पहली बार मुस्लिम मंत्री नहीं, इनमें से 2 कांग्रेस शासित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 में मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया कि आज तक किसी ने राज्य में दोबारा दंगा करने की हिम्मत नहीं की, अमित शाह। 2024 में देश बन जाएगा विकसित भारत, 3 राज्यों में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का नया संकल्प। अमेरिका कनाडा के मुद्दे एक नहीं, संयुक्त राष्ट्र पर भी बोले एस जयशंकर, कहा विफल हो रहा संगठन। दिल्ली दंगे के आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिका खारिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु का अवतार हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान। कोई भी प्रोजेक्ट गुजरात कैसे लाया जाए, पीएम मोदी को इसकी चिंता। सूरत डायमंड बोर्स को लेकर पवार का मोदी पर निशाना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड के कई सितारे। इसराइल का ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत नहीं, हमास। छोटे दुकानदारों को सरकार ने दिया तोहफा, अब नहीं भरना होगा GSTR फॉर्म 9। जब मन बन जाता है तो मंजिल दूर नहीं होती, काशी में विकसित भारत के सपने को लेकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिंदी में भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, लगातार तमिल में हो रहा था ट्रांसलेशन, काशी तमिल संगम में पहली बार AI का इस्तेमाल। कर्नाटक में फिर गरमाया टिपू सुल्तान का मामला, टिपू सुल्तान के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखने का प्रस्ताव, भाजपा भड़की। ममता बनर्जी ने दिल्ली के लिए भरी उड़ान, 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी से कर सकती है मुलाकात। सिद्धरमैया का RSS पर तीखा हमला, कहा संघ परिवार झूठ की फैक्ट्री है। POK में किसी भी सुबह लहरा सकता है तिरंगा, केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। भाजपा की जीत पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा EVM के दुरुपयोग से जीतती है विधानसभा चुनाव। POK से पहले एक सेब तो लेकर आए, तिरंगा फहराने के मंत्री के दावे पर अधीर रंजन चौधरी का तंज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दावा, कुछ ही सालों में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस होगा अयोध्या रेलवे स्टेशन, 31 दिसंबर तक हो जाएगा तैयार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस गठबंधन इंडिया, बैठक के बाद 21 दिसंबर को होगी कार्य समिति की बैठक। उत्तर भारतीयों को एंटी मुस्लिम और एंटी ईसाई प्रोपेगेंडा पसंद, हताश कांग्रेस नेता चिदंबरम ने विभाजन की राजनीति को फिर दिया हवा। महंगाई नॉमिक्स कहकर खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा भाजपा को लूट में हासिल है महारत। मामला बहुत गंभीर है, इसकी गहराई से जांच जरूरी, संसद सुरक्षा चूक पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। ब्रह्मांड की कोई ताकत मुझे 370 वापस नहीं ला सकती, प्रधानमंत्री मोदी बोले। राम मंदिर को लेकर कहा श्री राम का दर्शन सौभाग्य की बात। EVM अविश्वास पैदा कर रही है तो मतपत्र से वोट क्यों नहीं, अखिलेश यादव।